आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर ट्रेड से ट्रेड सुपर ट्रेड TGDT PGDT LT GIC UPSSC के आने के माध्यम से आने वाले तमाम भर्तियाँ, साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल UGC नेट JRF आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में और अभी भी वो बैठक चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट मुझे प्राप्त हुई तो आपको बताना मैं उचित समझता हूँ। लोक सेवा आयोग में जिन तथ्यों को लेकर के आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है एक्सपर्ट टीम से रिपोर्ट मांगने का प्रयत्न किया गया, एक्सपर्ट टीम को सजेस्ट किया गया है कि LT ग्रेड में क्या क्या योग्यताओं के विवाद हैं। पहले एक विवाद था गणित विषय को लेकर के, उसमें BTEC वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित हुआ करते थे, उन विद्यार्थियों को लेकर के भी विवाद था। और ऑनर्स की डिग्री को और BSc मैथ ये डिग्रियाँ तो वैलिड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन ऑनर्स की डिग्री को लेकर के भी थोड़ा सा विवाद था, कुछ विश्वविद्यालयों की डिग्री को लेकर के उनके संबंध में डिक्लेरेशन हो चुका है, ठीक है। वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो या आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, ये अपना मैटर वो क्लियर कर चुके हैं, मतलब अब उनमें कोई दिक्कतें नहीं है। कंप्यूटर साइंस में विवाद था, वो भी क्लियर हो गया है। हिंदी विषय एक ऐसा था जिसमें इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता रखी जाती थी कि जो विद्यार्थी संस्कृत में इंटरमीडिएट में पढ़े हैं और ग्रेजुएशन संस्कृत और हिंदी से किए हैं वही विद्यार्थी जो है हिंदी के लिए अप्लायर हो सकते थे। लेकिन चूंकि NCTE से और UGC से जब इस बात को कन्फर्म करने का प्रयत्न किया गया कि क्या ये विद्यार्थी ही एलिजिबल है या अन्य विद्यार्थी भी जो कि जिन्होंने संस्कृत हिंदी से किया हो और वो मतलब डालना चाहे फॉर्म तो क्या वो डाल सकते हैं, तो इस बात का क्लेरिफिकेशन हो चुका है कि अगर इंटर में किसी विद्यार्थी का जो है नहीं है संस्कृत तो उनकी इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। अब इस बार जो विज्ञापन जारी होगा वह भी उस विज्ञापन में आपको ये इस शर्त से मुक्ति दी जाएगी, अर्थात आप सभी लोग जो है आवेदन कर पाएंगे जो कि ग्रेजुएशन वगैरह में संस्कृत पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दो तीन चीजें आप लोगों के फॉर्मेट में आई हैं, दो तीन चीजों का लाभ आप लोगों को प्राप्त हुआ है। संगीत से जिन विद्यार्थियों ने बीएड नहीं किया है और जिन विद्यार्थियों ने अलग स्ट्रीम में बीएड किया है वो विद्यार्थी यदि संगीत आदि से जो है ग्रेजुएशन है या जो है उन सारी चीजों में, तो जाहिर सी बात है वो अप्लाई कर पाएंगे संगीत विषय में, ठीक है। संगीत से बीएड होना अनिवार्य नहीं है, ये LT ग्रेड में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अवसर मिलेगा। और इस बार म्यूजिक में मतलब संगीत में अच्छे खासे पद भी हैं, 91 पद आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है LT ग्रेड में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं आपके TGT PGT के लिए, और मान के चलिए कि 2 से 4 दिन के भीतर ये आपका जो अर्हता संबंधी विवाद है उस पर जो है कार्य शुरू हो चुका है। चूंकि कल एक पत्र आया था शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग में और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था इस बात को लेकर के कि जब अध्याचन आपके पास उपस्थित हैं और इतने दिनों से अध्याचन आपके पास आए हुए हैं तो आप विज्ञापन जारी करें। लोक सेवा आयोग ने फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जो जवाब भेजा था शासन को उसमें अर्हता संबंधी विवाद का पटाक्षेप तत्काल करने की बात उन्होंने कही थी, जिसपे जो है मतलब एक्सपर्ट टीम बनाई गई है सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए मतलब आपके हिंदी के लिए भी बनाई गई है, संस्कृत में कोई विवाद है नहीं, ठीक है। गणित में जो विवाद था उसके लिए भी एक्सपर्ट टीम बनाई गई है, अंग्रेजी में कोई विवाद नहीं, मतलब कुल मिलाकर के 5-6 विषयों की अर्हता को विवाद के दायरे में रखा गया था उसके लिए एक्सपर्ट टीम बना दी गई, जिसमें से 5 विषय जो है क्लियर हो चुके हैं। बचे हैं केवल एक विषय बचा है वो आपका कला, उसका भी अर्हता का विवाद बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। एक्सपर्ट टीम बन गई है, उस पर सारी डिग्रियों पे मंथन जारी है, सारी चीजें होने के उपरांत आप लोगों को जो मतलब अर्हता संबंधी विवाद का पटाक्षेप आपके हो जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी LT ग्रेड की।
अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। जिस तरीके से तदर्थ पद तदर्थों के पद आपके जुड़ रहे हैं, लगभग 22,000-24,000 पद हैं, और साथ ही साथ 12,500 से अधिक जो है मतलब नए अध्याचन आ गए हैं, तो मोटा मोटा बहुत ज्यादा पद हो जाता है। और अगर कुल पदों की संख्या देखी जाए तो 27,000 ऊपर भी जा रही है, ठीक है। और टोटल अगर 27,000 पे विज्ञापन जारी हुआ, जैसी कि पूरी संभावना पूरी उम्मीद है, शासन की तरफ से भी पूरी उम्मीद है, तो आपको SST में 3100 पद, हिंदी में लगभग 2600 पद, मतलब जो मेन मेन विषय हैं आपके, उसमें आपको 2000 प्लस पद ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इतनी कम सीटों में, जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी, इतनी कम सीटों में भी बहुत अच्छे से फाइट किया, और अब उन्हें वनडे फॉर्मेट के एग्जाम जो उसका कंडीशन पता चल चुका है कि किस तरीके से वनडे फॉर्मेट का एग्जाम होता है। और आप सभी लोग इस बार हिंदी में पूरी तरीके से उसी पैटर्न पे तैयारी करिए जिस पैटर्न पे 2021 का पेपर सेट हुआ था। और इस बार साहित्य के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, पिछली बार व्याकरण के क्वेश्चन ज्यादा थे, है ना, तो साहित्य के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और मैथ आदि में भी इस बार थोड़ा सा लेवल अप एंड डाउन बना, मतलब डाउन एंड अप बनाया जाएगा, मतलब सरल से कठिन की ओर प्रश्न पत्र सेट हो रहे हैं, मतलब सेट होंगे, मैं हो रहे हैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मध्यम क्वालिटी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ आपको सुपीरियर क्वेश्चन मिलेंगे। इसी आधार पर जो है इस बार आपको TGT और LT का पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जो सूचना मिल रही है उस सूचना के आधार पर आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कल UP SSC के अध्यक्ष महोदय ने मिलने का वक्त दिया है, हमारी एक्सपर्ट टीम आज रवाना हो चुकी है लखनऊ, कल उनसे मुलाकात होगी और आपके लेखपाल भर्ती को लेकर के जो है उनसे बातचीत की जाएगी। नई लेखपाल की जो भर्ती आएगी, उस लेखपाल की भर्ती नए पिट के बाद ही वो संभव है, ठीक है। और चूंकि आपके उसके भी वैकेंसी आनी है, ग्राम विकास अधिकारी की, वीडियो की भी, तो वो भी नई प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। शासन को बार बार प्रस्ताव बना करके नए पद के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन शासन अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दिया है, ठीक है ना। और नए टेट के लिए PNP ने प्रस्ताव भेजा 2022 के टेट के लिए, शासन ने अभी उसकी भी मंजूरी नहीं प्रदान की है। और CTET के लिए आज CBSE बोर्ड में बातचीत की गई है, तो उन्होंने कहा जून के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मतलब 10 जून तक CTET का आपका नोटिफिकेशन वो जारी हो सकता है, जो सूचना CBSE बोर्ड से प्राप्त हुई है। और एडेड जूनियर के लिए जो बात कर लूँ, एडेड जूनियर के जो प्रक्रियाएं हैं वो आपके 15 जून के बाद से स्टार्ट होंगे, मतलब 15 जून तक स्टार्ट होंगे आपके TGT, LT, GIC, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही नई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसियां, ये आपके जून माह में आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। जून फर्स्ट वीक में आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, और कल परसों की डेट में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चयन बोर्ड के मेंबरों की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। वीरेश कुमार राय जी को अध्यक्ष कंटिन्यू रहने दिया जा सकता है, और इनके रिटायरमेंट के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा होगी, लेकिन जैसी की उम्मीद है, जैसी की सूचना प्राप्त हो रही कि नए अध्यक्ष का भी चयन किया जा रहा है और इन्हें हटा करके नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। और सचिव महोदय नवल किशोर शर्मा जी ही रहेंगे, अभी जो अतुल जी हैं उनको कार्यवाहक के तौर पर रखा गया था, लेकिन अतुल जी को दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया है, नवल किशोर शर्मा जी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव रहने वाले हैं, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने के बाद आप सभी लोगों को 2000 प्लस पद हर विषय में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब जो मुख्य मुख्य विषय हैं। अब ऐसा नहीं कि संगीत में भी 2000 पद होंगे, ऐसा नहीं कि उर्दू में भी 2000 पद होंगे, उर्दू में कम पद इसलिए आते हैं क्योंकि हर विद्यालय में उर्दू नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो गिने चुने पद आएंगे आपके लगभग 350-400 पद आएंगे। और संगीत जो है, संगीत में भी यही कंडीशन, हर जगह संगीत नहीं चलता है इसलिए उसके पद कम आते हैं, ठीक है। कॉमर्स में भी यही कंडीशन है, हर जगह कॉमर्स नहीं होता है इसलिए आपके पद कम आते हैं। एग्रीकल्चर में भी यही कंडीशन है कि हर जगह ये पद नहीं होते इसलिए उसके पद कम होते हैं, हर जगह ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर ये सोचते हैं कि मतलब आप सभी लोगों के लिए पदों की संख्या कम होती है, तो इसके लिए बार बार प्रयत्न किया गया, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है
कि जितने अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जितने पदों के हमें अध्यासन प्राप्त होते हैं, हम उसी पे विज्ञापन जारी करते हैं। और जहां जहां टीचर मतलब पढ़ाते हैं, जहां जहां ये कोर्स चलता है विद्यालयों में, उनके पदों की संख्या के सापेक्ष, विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष ही अध्यापक रखे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इसीलिए पदों की संख्या इसमें कम होती है। आप लोग दूसरे विषय में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी योग्यता है तो, ठीक है। तो अभी अध्याचन जो है मतलब पाने का सिलसिला माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कंटिन्यू कर चुका है, और अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 13,500 से अधिक तदर्थ शिक्षकों का जो है अध्याचन वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच चुका है। मतलब 13,500 से अधिक पदों का, 12,500 नए पद हैं। सोच लीजिए, 25,000 का लगभग सेम टू सेम बन तो गया अभी तक, और अभी और पद आएंगे। 31 तारीख तक कम से कम ये अध्याचन पहुंच करके जाएगा 18,000 तक, ठीक है। 18,000 ये, 12,000 12,500 वो, टोटल जोड़ करके आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों के लिए जब प्रयत्न किया जाता है ना, तो आप लोगों को खुशखबरियां मिलती हैं और आप लोगों को वो एफर्ट दिखता है ना। जब एफर्ट आपको दिखता है तो आप उसके लिए कार्य करना शुरू करते हो। आपका विश्वास, आपका भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरे भाई बहनों। कभी भी किसी भी कीमत पर हम आपके विश्वास के साथ जो है मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके स्नेह के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए और उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी सफलता के लिए हम हमेशा से ही कार्यरत रहे हैं, और आगे भी यही मेरा प्रयत्न है कि हम हमेशा उनकी उनके भलाई कर सकें, उनका भला कर सकें। आप लोग जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज एक विद्यार्थी ने मैसेज किया था मुझे कि सर 6800 वाली क्या कंडीशन है। तो भैया 6800 अभी भूल जाओ, 6800 पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जुलाई उलाई में देखा जाएगा कि 6800 पे क्या होता है, ठीक है। अभी तो सरकार नए विज्ञापन को लेकर के कार्य कर रही है, सारे डिटेल मांगे जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा गया है कि तत्काल प्रभाव से कितने शिक्षकों की आवश्यकता है कि आप बेसिक में उनकी भर्ती की जा सके। और चूंकि बेसिक विभाग को भी लगभग 13.5 करोड़ रुपए मिले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए और नामांकन आदि करने के लिए, साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। और सभी विभागों को पैसा आवंटित हो चुका है, इसलिए अब प्रक्रियाएँ तेज होंगी और आप सभी लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है 31 मई के बाद आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा, और जून के प्रथम सप्ताह में आपका चयन बोर्ड बहाल हो रहा है, और सदस्य आदि के आने के बाद आप लोगों की तमाम प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। सदस्यों के जो मतलब नियुक्ति लेने के उपरांत ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, और 15 जून तक आप लोगों को LTGIC और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। नई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आ रही है, लगभग 800 पदों पर यह वैकेंसी होगी, और इसकी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि 800 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। 206 पदों पर जो आपके PCS की वैकेंसी जारी हुई थी, इसमें उसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है, लगभग 250 पद उसमें बढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों के लिए, वो भाई बहन, उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमारे PCS आज की तैयारी करते हैं, वो मन लगा करके, दिल लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। और जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको सत्य और आपके लिए तार्किक सूचनाएं लेकर के आता है, जिसके साथ ही साथ आप सभी लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए, आप सभी की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए भी कार्य करता रहता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।